लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं और ये जानकारी उस समय सामने आई जब पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वहीं ओडिशा में कांग्रेस समिति अध्यक्ष निरंजन नायक ने भी अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कार्य समिति के अन्य सदस्य शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हार के प्रमुख कारणों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और साथ ही इस बारे में भी चर्चा होगी कि पार्टी को किस तरह से और भी मजबूत किया जा सकता है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं कि क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कितने बजे तक ये बैठक शुरू हो जाएगी? जी लवीना, अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तमाम वरिष्ठ नेता, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अहमद पटेल तरीके तमाम जो नेता है वो इसमें मौजूद है, लेकिन अभी इंतजार हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बैठक में पहुंचने का। प्रोटोकॉल के नाते जो है राहुल गांधी सबसे अंतिम में इस बैठक में आते हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह इस बैठक में पहुंच चुके हैं और खास बात ये रही कि इस बैठक से ठीक पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के आवास पर जाके उनसे मुलाकात की और अब जो है कुछ ही देर में, अब कुछ ही मिनटों में जो है राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में हार में क्या कुछ हार के पीछे के क्या कुछ कारण रहे, उन कारणों पर चर्चा की जाएगी। और सबसे खास बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा राहुल गांधी ने कि इसमें विचार किया जाएगा कि क्या वो इस्तीफा सौंपे या नहीं सौंपे पार्टी में, ये पार्टी फॉर्म में जो है विचार किया जाएगा। यानी कि इस सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली जो कमेटी है उसको जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो इसमें फैसला लेगी कि कितने नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, हार की जिम्मेदारी किस किस पर डाली जाए। जी लवीना। जी प्रीति, बताएं कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ ही प्रभारी अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद है। दो नेता जो है अब तक इस बैठक में पहुंच चुके हैं और हार के कारणों पर जो है चर्चा की जाएगी। खासतौर पर सचिन पायलट भी इस बैठक में जो है हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हैं और वो भी इस बैठक में, उनकी भी जो है उनको भी आमंत्रित किया गया है एज ए इन्वाइटी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, दिल्ली में कांग्रेस की बेहद अहम बैठक आज होने वाली है जिसमें कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे और सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी इस बैठक में इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं।